और क्या बच्चे की जान लेंगे, और क्या इतने में बच्चे की जान लेंगे और क्या करेंगे। अरे अंदर तो होता और अच्छी ग्रोथ है, पर एक चीज है भैया, मैंने ग्रोथ बहुत गजब की है अपने खेत पे, इतना है मुन्ना फेंका खेत है, कुछ डाले नहीं चिमटी भर भी, खट डाले नहीं 20 साल से वो कर रहा था, अभी 20 साल आपने किया है फिर भी उसमें खत नहीं, खाली तीन चिंग और एक धान खेती का बहुत डाल दिया। अच्छा ये बताइए, हम थोड़ा सा कुछ बताइए कि मतलब जो बेड पर लगाया है तो पानी यानी कैसे क्या दे रहे हैं धूप में, मतलब क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ थोड़ा सा बताइए हमें। एक मिनट, बेड पर पानी क्या जैसा लाइट आती वही से चालू हो जाता पानी। मतलब कितने घंटे पानी दे रहे हैं अभी? 8 घंटे। 8 घंटे के? 8 घंटे तो लाइट है, चलते सिर्फ 4 घंटे जी, नाम को 8 घंटे, 2 घंटे का जीरो आ जाता है, ऐसा कभी फॉल्ट हो जाता है। तो इसकी हाइट तो आपके बराबर हो गई केली की? ये कितने कितने महीने का बताया आपने? ये हो गया 10 फरवरी, मार्च, 4 महीने का। 4 महीने का ग्रोथ तो अपनी अच्छी है। और अच्छा ये बताइए भाई जी, इसमें ड्रेंचिंग कितनी है करवाई थी आपने? इसमें ड्रेंचिंग 3 करवाई है। 3 मतलब क्या क्या? वैसे ब्लैक डायमंड की 2 की है, मैं 2 प्रोटीन लिया है और तीसरी ड्रेंचिंग ब्लैक डायमंड प्रोटीन और बुरशीनाशक। मतलब इसमें कोई खास कोई नहीं। 3 19 ले लिया था। अच्छा तो मतलब ऑर्गेनिक पे ही किया है ज्यादा? ऑर्गेनिक पे है पूरा खेत। तो अभी तो कोई खास केमिकल यूरिया पोटाश 26 12 32 16 कुछ भी नहीं डाला है, एक दाना भी नहीं डाला है, खाली एक पहला डोज डाला है धान खेती का। धान खेती का वो भी ऑर्गेनिक ही है? ऑर्गेनिक ही है, पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो ऑर्गेनिक पर है। तो नहीं तो रासायनिक का एक नहीं तो लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक पे रिजल्ट नहीं दिखता है, कैसे क्या है? तो जो बोलते होंगे उसको आले क्या, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा कहाँ से है भैया, थोड़ा सा परिचय दीजिए। हाँ मैं प्रकाश पटेल हथनूर धरन तहसील भुसावल से हूँ भैया। ये मतलब कब से मतलब खेती कर रहे हैं आप? हम तो खेती जब से पैर पर खड़े हो गए उस दिन से कर रहे हैं। अच्छा अभी हमको मानो तो ये केले लगाने में 8-10 साल हो गए, समझो 8-10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मैं भैया जी कि आपने पहले भी लगाया हुआ था जो? हाँ हाँ पिछले तो, साल हाँ उसका भाव कैसे क्या मिला था? सुनने को मिला है आपका भाव तो अच्छा मिल गया। भाव तो अच्छा मिलता लेकिन वो कैसा रहता है, वो मार्केटिंग के हिसाब से रहता है। अच्छा कभी मार्केट अच्छा हो गया, हाँ, कभी तो ज्यादा भाव मिल जाता है, मार्केट कम हुआ तो कम भाव मिलता है। अच्छा ये जो पौधा लगाया था आपने तो ये कौन सा पौधा लगाया था आपने? जैन टिश्यू का। जैन टिश्यू का? हाँ। और आपका ट्रीटमेंट वगैरह कौन चला रहा है इस समय? हमारा ट्रीटमेंट है जैन बायोटेक। जैन बायोटेक। अच्छा सुनील भैया दे रहे हैं? हाँ हाँ सुनील भैया। अरे सुनील भैया राम राम। राम भैया। अच्छा तो आप इनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं? सुनील भैया ये हमारे जो जादूगर है वो। ऐसा क्या? ये जादू चलाते हैं पता नहीं कौन सा मंत्र हम आके मार के चले जाते हैं भाई पूरे के पूरे माइकल जैक्सन है ये हमारे। अच्छा यही है आपके माइकल जैक्सन है, इसलिए तो सोचे कि पर्दे के अंदर क्या है। हाँ, आप समझ में आया कि पर्दे के अंदर ये पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। अच्छा चलिए, अच्छा प्लॉट है मेरे हिसाब से, अभी इसमें तो छेन खत का एक चिमटी भर भी नहीं डाला है, खाली एक 200 ऑर्गेनिक का वो आपका छेन खत भी नहीं डाला? कुछ नहीं डाला है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, एक चिमटी भर छेन खत भी नहीं है, छेन खत डाला ही नहीं? नहीं डाला है, खाली बेड पर है, 8 घंटे पानी देते है, लाइट 8 घंटे रहती है, खाली 4 घंटे फॉल्ट हो जाते है। इसमें सिर्फ धान खेती है बस? बस धान खेती और तो 3 ट्रिंचिंग और आली का स्प्रे ले लिया था। एक सोचने वाली बात है ना भाई कि आज के युग में आज के ऐसे मतलब केमिकल इतना लोग डाल रहे कि बिना गोबरी खाद के साला फसल ही नहीं उठ रही होता भाई। अगर आप नहीं डालते हैं तो यह केमिकल बढ़ा चढ़ा के डालिए तब कुछ फायदा होगा, और नहीं आजकल खेती देख रहे कि 60-60 HP की ट्रैक्टर राउंड मार रहा है अपने खेत में कुछ नहीं है।
और कुछ दिन में मुझे लग रहा है ये हाल होने वाला है कि लोगों को जेसीबी लेके खुदाई करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो 4 महीने इसके हो गए तो इसको 3 डोज हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक ही डोज में वो अच्छा चल रहा है, ठीक दिख रहा है। अच्छा तो ये बताइए सुनील भैया जी सर, तो आप मतलब इस समय जो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं? अरे सर मैं ये हो गया हथनूर मस्कावा, मतलब कौन कौन सी तालुकाओं में? ये अपना है मुक्ताई नगर भी हो गया, अपना ये रावेर भी हो गया, मतलब जलगांव जिले में पूरा। हाँ ज्यादातर। अच्छा जैसे किसी को माल चाहिए होगा या कैसा क्या है तो सब हो जाता है, जलगांव के अंदर कहीं भी हो अपना वही होम डिलीवरी है अपना। अच्छा होम डिलीवरी, और डिलीवरी चार्ज कोई कुछ नहीं? चार्ज कोई नहीं पड़ता सर जी, चार्ज तो इन्होंने नहीं लिया? नहीं 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 कोई जी चार्ज नहीं लिया, डिलीवरी चार्ज फ्री है ना? फ्री है जी सर। तो मतलब ये अभी वर्तमान में मतलब ये आपका जलगांव डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जी जी, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी मंगवाइए आपका फ्री होम डिलीवरी भी। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनील भैया आपसे मिलते रहेंगे, आपसे मिल के अच्छा लगा। राम राम। राम राम।